सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग। सो गाइस, कई दिनों से पिटबुल लेने की बात चल रही थी और आज फाइनली एक भाई ने बोल ही दिया कि भाई 6 बजे आके चेक करके चले जाओ। अभी मैं जा रहा हूँ चाचा के घर पे और राहुल भाई भी साथ में जाएगा। तो गाइस चलो चलते हैं। चाचा रास्ते में मिले, कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन छोड़ने जा रहे हो इसको, जाओ। जब भी आते हैं, जब मैं ट्यूशन जाता हूं। सही टाइम पे आते हैं हम। भाई ये देखो क्या हालत होगी गाड़ी की। भाई साहब इतनी बारिश हुई थी ना कल रात को भी, ये देखो भाई पानी पानी भरा पड़ा है हर जगह। ये देखो भाई कितना पानी भर चुका है। जो हॉन्टेड वाला जंगल है ना गाइस, वहां पे तो पानी बिल्कुल भर गया होगा। चाची क्या कर रही है? इधर आ, ये फिर कूदेगी, दिखाओ डोरेमोन। बहुत मुलायम है। दिखाओ मुझे, दिखाओ। सही खेल रही है इसके साथ है ना। मुझे भी दिखा दो। वैसे ना ये लेने भी देती है ना। एक हाथ तो खड़ी हो जाएगी, आराम से आराम से। ओ एक बार ओ झुरके मार दिए। ये देखो गाइस चिकी का फोटो, ये मैंने अपने फोन से खींचा था। यहाँ पे लेट। अच्छा बता बिल्ली से तेरे को पढ़वा दूँ? बिल्ली लेके आवे। अच्छा नहीं पढ़वा रहा, बस इन बिल्ली को मैं किसी और को दिया हूँ ये देखो भाई, ये देखो क्या हो गया उसको, क्या खेल रही है क्या वो? इतनी दूर से हंटर की आवाज आ रही है गाइस। जो बारिश है ना, चाचा का डॉग फार्म सूखने नहीं दे रही भाई, पूरी रात बरसा है और जंगल में भी पानी भर गया होगा। वैसे गाइस वो रहा हंटर, बहुत दूर से ही चिल्ला रहा है। आ गया बेटा, आ गया। क्यों रो रहा है? क्या बात हो गई भाई? बहुत दूर से आवाज आ रही थी इसकी। हाँ अंटू, अंटू भाई ठंडी में क्या कर रहा है? कमरे में क्यों नहीं सो रहा? नो शायद इसको पपीज दुखी कर रहे हैं, देखता हूं। अंटू बात चल। ओ कपड़े खराब। नो बारिश हो रही है, सारे कपड़े। अंटू ये क्या है? हेलो ले ली मैंने तेरी, ले ली। आजा अंटू, आजा बिस्किट दूंगा। चलो बिस्किट दूंगा, आजा। सो गाइस बारिश काफी तेज आ चुकी है और हंटर और नोनो को हमने हीटर वाले कमरे में बिठा दिया आराम से। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो जा रही है। बढ़िया बारिश तो तेज आ गई भाई, भीग जाएंगे। चल 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 भाग के चल, इतनी तेज बारिश आ गई, हर जगह पानी पानी हो गया गाइस। देख लो ये, देख लो ये ग्राउंड पूरा खाली था और अब यहाँ पे सिर्फ पानी पानी दिख रहा है और कुछ भी नहीं। बारिश आ गई, बारिश आ गई दोबारा से, दिख रहा थोड़ा थोड़ा। तू भी तेज आ रही है? हाँ तेज आ गई बहुत, तो कल भी बहुत तेज आ गई थी। तो गाइस आज बात हुई एक भाई से और वो झज्जर बुला रहा है हमें, पपी देख के आएंगे पिटबुल का। 6 बजे का टाइम बताया भाई, चल पूछ लेंगे ठीक रहा होगा। कितने सांस के चल रहे थे, भाग के आए हैं ना बारिश में। भाई आज इतनी बारिश हो रही है यार, घूम भी नहीं सकते बाहर, कितना पानी 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 हो चुका हर जगह। गाइज ये वाला जो रोड है ना, बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी भरता, इस बार पानी नहीं भरा यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि भगा के और पूरी गाड़ी धुल जाती। अभी गाइज ये पार्क देखो, कोई कोई जगह है जहाँ पे चल सकते हैं, नहीं तो भरा हुआ है। ये देखो पानी दिख रहा है और कुछ दिख भी नहीं रहा। ये देखो गाइज क्या हाल हो रखा है यहाँ पे। बेंजामिन थैंक यू। तो भाई इस जगह पे ना अपने बहुत सारे अफ्रीकन फ्रेंड्स रहते थे और लगभग भाई सारे ही जा चुके हैं। वो स्टडी वीजा पे आए थे यहाँ पे, और ये जो कॉलेज है ना पीछे, यहाँ पे पढ़ते थे वो। अभी मैं आया था इनसे मिलने और कोई भी नहीं मिला मुझे यहाँ पे। ये बेंजामिन नाम है, अफ्रीकन है, उसी को ही ढूंढ रहा था मैं यहाँ पे। और उसको मैं जो भी कह देता था ना कि भाई इसके साथ प्रैंक कर दे, इसको डरा दे, उसने इसको ही डरा दिया था। इसके ना कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे और गाई जी ना रोने को हो गया था बिल्कुल ही। इसी को ढूंढ रहा था और प्रैंक करवाता इसके ऊपर दोबारा। हो सकता है कभी वापस आएगा तो देख लेंगे। ओए चीनू आ गया ट्यूशन से। तो गाइस चीकी भी जा रही है हमारे साथ और चीनू भी जा रहा है। ये तो खिलौने भी साथ में लेके जाएगी गाइस, ये हर जगह ना टॉयज लेके जाते हैं साथ में। तो गाइस चाची ने बनाई थी पनीर बटर मसाला और चाचा और मैंने खाना खा लिया। और ये देखो भाई 8:30 हो चुके हैं और भाई जिससे डॉग लेने जाना था ना वो फोन ही नहीं उठा रहा। हम 2 घंटे से फोन मिलाने लग रहे हैं, लास्ट बार ट्राई करके देखूंगा, देखते हैं फोन उठाएगा या फिर नहीं उठाएगा। अरे अब तो दूसरी कॉल में। हेलो, अरे भैया यार कितने देर से फोन मिला रहे हैं भैया, 2 घंटे हो गए फोन मिलाते हैं यार। अरे भाई साहब मैं काम पे था, ड्यूटी डबल लग गई थी मेरी एक्स्ट्रा। तो भैया आ जाए फिर। अब तो
भाई ने 6 बजे का टाइम दिया था और हम घर से निकल लेते और वहाँ जाके फिर फोन ना मिलता तो देखो कितनी वो हो जाती यार। समस्या बहुत ज्यादा हो गई थी भाई साहब। तो फिर कब मिलेगा? तो फिर कब भाई? कल के लिए क्या है? फिर कभी कल आने फिर कॉल कर देना अपने आप फ्री होके ना। ठीक कर लिया, थैंक यू। ठीक है भाई साहब, सॉरी। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। यार फोन इस भाई ने अब उठाया हमारा और कह रहे कि भाई कल आ जाना। तो चाचा अब क्या प्लान है फिर बताओ? चलो आज भी वॉक पे चलते हैं शैडो को लेके। तो गाइस मैं तुम्हें बताता हूँ चाचा इस टाइम दिल चाची देख ली चाचा इस टाइम डेली शैडो को वॉक पे लेके जाते हैं। तो अभी चाचा के साथ चलते हैं। चिकी भी चलेगी क्या? ठंड हो रही है ना, चले। शैडो आराम से, कितना एक्साइटेड हो रहा है जाने के लिए। देख मैक्स भी देख, आराम से। मैक्स बाय, मैक्स रो रहा है। चल 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 शैडो आराम से। गाइस मैक्स भी आ गया, इसका अकेले का मन नहीं लगता। खींचा नहीं जा रहा क्या चाचा आपसे? अरे ना बंद गेट देखा तेरे, समझो। ओए ओए मैक्स खुल गया, मैक्स खुल गया, मैक्स आजा, मैक्स 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 मैक्स। हाँ कहाँ जा रहा है तू अकेला अकेला? वो ना बात है, छोटू पकड़ ले इसको। So guys, ये वाला जंगल वही था जो अभी चिकी चीनू को लेके गए थे जब जा रहे थे। उससे पहले छोटा सा मंदिर आया था। इस साइड वाला जंगल वो है जिसमें तुम हंटर को ले जाने की कह रहे थे। दिन में जब इस साइड गए थे ना तो दिन में इधर डर नहीं लग रहा था, इस साइड हमें दिन में भी डर लग रहा था। तो इधर भी रात को कभी जाएंगे, अगर रात वाली हॉन्टेड वीडियो देखनी है ना इस साइड जाने की तो तुम कमेंट में लिख देना। अभी फिलहाल वॉक पे लेके जा रहे हैं। डर नहीं लगेगा? डर तो लगेगा फिर यार, फिर भी ट्राई कर लेंगे ना। अब गाइज ये ना वही जगह आ गई है जो की जंगल से पहली वाली जगह है जहाँ पे हमने घोस्ट हंटिंग विद पिटबुल करी थी। ये देखो भाई वही जंगल आ गया, ये यहाँ पे नीचे उतर के सीधा जंगल आ जाएगा। गाइज अभी ना अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पानी वानी भरा है यहाँ पे, पानी वगैरह ज्यादा भरा हुआ है। अच्छा थका दिया इसने बिल्कुल। एक चीज नोटिस करी के? अब नहीं खींच के ले जा रहा आपको, ये नहीं खड़ा है, पूरे रास्ते खींच के ले जा रहा था है ना, इसे पता लग गया ना वहाँ जा रहे हैं। इसको पता है, खुशबू आ गई कि भाई ये वही जगह है। भाई इनको सब पता होता है कौन सी मंजिल कहाँ है। देख इसकी नाक देख, बहुत ज्यादा। अब क्या हो गया, क्या हो गया? अब बस आराम से खड़ा हो गया। अब क्या हो गया, चलेगा? आजा 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 शैडो, आजा। आएगा? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, देख रहे हो? आजा शैडो, पूछ नीचे कर ली, पूछ दिखाएं। देखो गाइस इसकी पूछ देखो, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया शैडो? शांत हो गया, आजा वापस चले, वापस चलेगा। ले जाना वापस, ले जाना इसको एक बार। आजा देखो कितने आराम से वापस हो लिया। गाइस तुमने देख लिया, देखो भाई सारे कुत्ते भौंकने लग रहे हैं यहाँ। गाइस अपना मैक्स लड़ता नहीं है किसी से भी, से पास लगा के देख ले। पसीने आ गए, पसीने आ गए भाई, भगवान समझे चाचा के पसीने आ गए। गाइस शैडो को संभालते संभालते मैं जरूर जाता है। भाई शैडो की मसल्स देखो तुम कैसी है। शैडो तू डरता क्यों है भाई जंगल में जाने से? इधर देख शैडो, ओ शैडो। चीकी कहाँ है? चीकी सो गई भाई। चीकू गाइस वैसे ये बात तो है भाई, शैडो ने ना सारी सर्दी उतार दी हमारी। ठीक है चीनू बाय बाय। खाना चेक करते हैं, खाना क्या बनाया मम्मी ने? मैगी। सो गाइस खाना तो चाचा के घर पे खाए थे, थोड़ी मैगी और खा लेते हैं घर पे। तो गाइस मम्मी ने मस्त मैगी बनाई है छोक के, तो मैगी खा के बात करता हूँ आपसे। तो गाइज मैंने खा लिया मैगी और भाई तुम देख रहे हो कितना बड़ा पोपट हो गया मेरे साथ। 6 बजे का टाइम दे रखा था मुझे भाई ने, बोला था कि भाई 6 बजे आ जाना मेरे घर पे, जो भी पिटबुल के पपीज पसंद हो लेके चले जाना। मैं सुबह से लिटरली वेट करने लग रहा था कि भाई 6 कब बजेंगे। जैसे ही 5:30 बजे ना, मैंने वैसे ही भाई के पास कॉल करनी चालू कर दी। 8 बजे तक कॉल की और जब 8:30 बजे भाई का कॉल आया ना, तब भाई ने बताया हमें कि उसको कोई इशू हो गया था। भाई ने मुझे कल का टाइम दिया है, देखते हैं कल क्या होता है। और भाई मैं तुम्हें बता दूं पिटबुल तो मैं लेके ही मानूंगा। लास्ट में जब हम को वॉक पे लेके गए थे, तुमने देखा जंगल की एंट्री पे ही शैडो की हरकतें चालू हो गई। तुमने देखा मैं शैडो को बुलाने लग रहा था काफी, नहीं तो जब भी मैं शैडो के पास जाता हूँ ना शैडो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है मेरे को लेके, मेरे बुलाने पे भी नहीं आ रहा था। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।